हाय, मेरा नाम अंशुल है और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। स्क्रीन पर मौजूद इन सभी चेहरों को, इन सभी नामों को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यही वो 15 खिलाड़ी हैं जो आपको यानी इंडियन क्रिकेट टीम को अपना तीसरा वर्ल्ड कप दिलाएंगे। आज श्रीलंका में कप्तान रोहित शर्मा और साथ में उनके होते हैं अजीत अगरकर, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडियन क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट किया, घोषणा की, बताया कि यही 15 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में दमदारी से तीसरी बार खिताब जीतने की दावेदारी ठोकेंगे। कई खिलाड़ियों को इसमें जगह नहीं मिली है और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत नज़दीक आने के बाद इस टीम से निकाल दिए गए, और जैसी उम्मीद थी, जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये वही 15 होंगे जो 17 खिलाड़ियों में से बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे या बेस्ट स्क्वाड बनाएंगे, यानी एशिया कप में जो उस टीम को आप लेकर गए थे उन्हीं में से ये 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस टीम की कई खासियतें हैं, तो चलिए एक एक करके पहले उस पर बात करते हैं। तो पहला नंबर ये कि ऑलराउंडर्स की इस टीम में भरमार है। आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या इस टीम में है, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं और शार्दुल ठाकुर भी आपको ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं जो नंबर 8 पर आकर बल्लेबाजी करेंगे और गोल्डन आर्म कहलाते हैं। जब ज़रूरत होती है वो कप्तान को विकेट निकाल कर देते हैं। एक सरीखे दो गेंदबाज इस टीम में, दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें आप गेंदबाज कहें तो उनकी बल्लेबाजी स्किल्स के साथ में गुस्ताखी होगी, और अगर आप उन्हें बल्लेबाज कहें तो ये कहेंगे कि भाई हम तो प्रॉपर गेंदबाजी भी करते हैं। यानी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंड से स्लो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं और तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। लोअर ऑर्डर में आएंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर रन बनाएंगे, स्कोर करेंगे। अब देखना ये होगा कि दोनों ही खिलाड़ियों को क्या एक साथ एक टीम में एक प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। अक्षर पटेल की जगह पर वैसे भी बहुत बात हुई, बहुत सवाल उठाए गए, ये कहा गया कि क्या युजवेंद्र चहल को इस स्क्वाड में शामिल किया जा सकता था। खैर, अब तो ये 15 खिलाड़ी आ गए हैं, लेकिन लाइक टू लाइक बिल्कुल रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर्स को एक साथ इस टीम में शामिल किया गया, यानी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस टीम में कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। एक समय हुआ करता था जब आपके पास में जहीर खान थे, आशीष नेहरा थे, बाद में और कई यंगस्टर्स आए जैसे इरफान पठान, हाल ही की अगर हम बात करें तो टी नटराजन, ये सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स थे। आपके पास में अर्शदीप यादव, माफ़ कीजिएगा, आपके पास में अर्शदीप सिंह थे, लेकिन आप किसी को उस तरीके से ग्रूम नहीं कर पाए कि जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हो। अब इस वर्ल्ड कप में आपके पास में कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। आप अगर दूसरी टीमों की बात करें, आप एशिया में ही ये मैच हो रहा है, इंडिया में मैच हो रहा है, एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बांग्लादेश के पास में मुस्तफिजुर रहमान है, पाकिस्तान के पास में शाहिन शाह अफरीदी है, मिचेल स्टार्क हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो हर टीम के पास में एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर है। आपके पास नहीं है, स्पेशली तब जब आपको ये पता हो कि आपका टॉप ऑर्डर तो बहुत बुरी तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर से घबराता है। अगर आपकी टीम में भी ये हथियार होता तो आप भी उस तरीके से विरोधी पर दबाव बना सकते थे जिस स्ट्रेटेजी के साथ में दूसरी टीम्स आपके पास आती है, आप पर चढ़ने की कोशिश करती है। अच्छा, ये तो हमारी ऑलराउंडर्स की, बैट्समैन्स की और पेसर्स की बात हुई, लेकिन कुछ सिलेक्शन इस टीम में ऐसे हैं जो शायद कई समय तक सवालों के घेरे में हो सकते हैं या जिन पर बात की जा सकती है। मसलन 2019 के वर्ल्ड कप में आपने एंड टाइम पे विजय शंकर को शामिल किया था, अंबाती रायडू को बाहर कर दिया था। इस वर्ल्ड कप में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे युजवेंद्र चहल जो लंबे समय से टीम इंडिया के साथ में बने हुए थे और प्रीमियम आपके वो वाइट बॉल स्पिनर थे, जिस तरीके से उनकी एबिलिटी है, जिससे वो गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी को छकाते हैं, स्पेशली मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से उनका रोल होता है वो बहुत क्रुशल था, लेकिन एन मौके पर क्योंकि आपने जब उनको एशिया कप में शामिल नहीं किया तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में होंगे, तो वो नहीं है। इसके बाद शिखर धवन को आपने शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी जगह भी नहीं बन रही थी, ऊपर में शुभमन गिल इतना अच्छा कर रहे थे, रोहित शर्मा के साथ में एक और ओपनिंग ऑप्शन ईशान किशन मिल जाते हैं तो उनकी जगह नहीं बन रही थी, तो एक तरीके से शायद अब शिखर धवन के करियर पर भी फुल स्टॉप लग गया। इसके साथ ही साथ दीपक चहर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, केएल राहुल की जगह पर भी सवाल उठेंगे क्योंकि वो एशिया कप के शुरुआती मैचेस के लिए अनअवेलेबल थे। हालांकि पहली बार तो पहले मैच में तो वो खेले नहीं, दूसरे मैच में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला,
अब वो किस तरीके से टीम में शामिल होंगे, क्या वो प्रॉपर विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि ईशान किशन जिस तरीके से खेल रहे हैं तो लगता है कि जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे वो तो वही होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई इस वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, किस प्लेयर को इसमें जगह मिलनी चाहिए थी, या आपको ऐसी कौन सी और टेक्निकल फ्लॉज नज़र आ रहे हैं इस टीम में, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।